देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र स्थित रामसागर गांव में जमीन विवाद को लेकर 28 जुलाई के दिन फायरिंग की घटना हुई थी। बता दें कि देवीपुर पुलिस ने इस मामले में हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बाबत आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवघर SDPO पवन कुमार ने बताया कि फायरिंग के इस मामले में SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देवीपुर थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने फायरिंग के आरोपी समेत इस घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से मिट्टी में दबाकर रखा हुआ पिस्टल बरामद किया गया है। इसके अलावा अन्य लोगों के पास से कारतूस भी बरामद किया गया। SDPO ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में राकेश राउत, अंकित सिंह और शुभम सिंह का नाम शामिल है। दिनांक 28 जुलाई 2021 को देवीपुर थाना अंतर्गत रामसागर एक गांव है, जहां पर एक गोली चालन की घटना खारिज हुई थी, जिसके आलोक में देवीपुर कांड संख्या 124/2021 दर्ज किया गया था। उस कांड में ये बातें प्रकाश में आई थी कि जमीन संबंध विवाद के कारण एक राकेश कुमार राउत नामक व्यक्ति है, जिनके द्वारा गोली चालन की घटना खारिज की गई। घटना के में जो भी एक्यूज है उसे गिरफ्तारी तथा घटना के उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक देवघर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें देवीपुर थाना प्रभारी और उसके सशस्त्र बल थे। उनके द्वारा काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इस घटना के जो प्राथमिक एक्यूज थे राकेश कुमार राउत, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके निशानदेही पे एक पिस्टल बरामद किया गया, साथ ही 0.303 का एक कार्टिज बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में ये प्रकाश में आया कि उन्होंने जो है ये आर्म्स जो है मुंगेर से कोई सप्लायर उनको उपलब्ध कराया है। उनके निशानदेही पे हम लोग 2 और 21 उसके सप्लायर को हम न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।